20 जनवरी को ईडी के अधिकारी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके ही आवास पर पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के आसपास क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से धारा 144 लागू की गई थी। कुछ दूरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगातार डटे हुए थे। इस दौरान 8 गाड़ियों से सीआरपीएफ के जवान भी सीएम आवास के पिछले गेट पर आ पहुंचे थे। इस पर जीएमएम ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जवान भेजकर केंद्र सरकार सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाना चाहती थी। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तैयार बैठे थे। वहीं अब इस आरोप पर राज्यपाल ने पलटवार किया है। मिस्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट, सीआरपीएफ इज वन, व्हाई सीआरपीएफ इज कमिंग अननेसेसरली लार्ज गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द सीएम्स हाउस दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स व्हाई सीआरपीएफ हैज टू कम। इट इज दिस गवर्नमेंट्स मिस्टेक, दिस पार्टीज मिस्टेक, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड बी स्टॉप्ड। सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर स्थानीय गोंदा थाना में दर्ज किए गए एफआईआर को राज्यपाल ने गलत बताया है। राज्य के आर्यभट्ट सभागार में मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे राज्यपाल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सरकार की असफलता को दर्शाता है। सीआरपीएफ को आना पड़ा क्योंकि सीएम आवास के पास अचानक भीड़ बढ़ गई थी। वह कहते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी भीड़ क्यों थी। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक प्रकार के समाज में कैंसर की तरह है जिसे हमें मिलकर खत्म करना है। प्रभात